Vivo T3 5G वर्सेस Vivo T2 Pro 5G, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, किस में हमें अच्छे कैमरास मिलते हैं, किस में बढ़िया गेमिंग मिल जाएगी एंड किस में एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी दी जा रही है कंटेंट वॉचिंग के लिए, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको Vivo T3 5G लेना चाहिए या फिर Vivo का T2 Pro 5G, तो आप आज के इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिज़ाइन के बारे में। Vivo T3 5G का जो बैक है वो प्लास्टिक से बना हुआ है एंड इसके फ्रेम भी प्लास्टिक से बने हुए हैं। हालांकि अगर इसको अच्छे ढंग से कहें तो आप इसको पॉलीकार्बोनेट भी बोल सकते हो, बट इस फोन के फ्रंट में आपको ग्लास दिया गया है जो कि ड्रैगन टेल स्टार 2 प्लस यानी काफ़ी लंबा नेम है। खैर, रियर में 3 कैमरास मिलते हैं एंड एक फ्लैट डिस्प्ले भी दी जा रही है। वहीं Vivo T2 Pro 5G के बैक पर ग्लास दिया गया है एंड इसके फ्रंट पर भी ग्लास दिया गया है, बट Vivo ने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा ग्लास यहाँ पर यूज किया गया है। हालांकि इसके फ्रेम भी प्लास्टिक से बने हुए हैं। रियर में 2 कैमरास मिलते हैं एंड एक कर्व डिस्प्ले दी जा रही है। वेल, वेट की बात करें तो Vivo T3 5G का वेट 188 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.8 mm है। वहीं T2 Pro 5G का वेट 175 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.36 mm है। तो भाई Vivo T3 के कंपैरिजन में Vivo T2 Pro 5G काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम स्मार्टफोन है। ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइन मिल जाती है, काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं, काफ़ी लाइट वेट स्मार्टफोन्स हैं। हालांकि डिज़ाइन जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, आपको किसकी डिज़ाइन पसंद आई नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। बट अगर मैं होता तो मैं यहाँ पर Vivo T3 5G को परचेस करता क्योंकि इसमें फ्लैट डिस्प्ले दी जा रही है, क्योंकि मैं कभी कभार गेमिंग भी करता हूँ तो मुझे वहाँ पर अच्छी ग्रिप मिल जाती है बिकॉज ऑफ द फ्लैट डिस्प्ले। हालांकि जो कर्व डिस्प्ले होती है उनमें आपको इतनी अच्छी ग्रिप नहीं मिलती है व्हाइल प्लेइंग गेम्स। आगे बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। Vivo T3 5G में 6.67 इंचेस की FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी जा रही है एंड ये 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं Vivo T2 Pro 5G में थोड़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है यानी कि 6.78 इंचेस की FHD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी जा रही है एंड ये भी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। भाई दोनों स्मार्टफोन्स में स्मूथनेस काफ़ी अच्छी मिल जाएगी एंड दोनों स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जा रहा है जो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। ब्राइटनेस की बात करें तो T3 5G में 1800 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया जा रहा है, वहीं T2 Pro 5G में 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया जा रहा है। अब वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स आउटडोर यूजर्स के लिए अच्छे हैं, डायरेक्शनल लाइट में आप इजीली यूज कर सकते हो, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट और ज़्यादा पीक ब्राइटनेस के मामले में और ज़्यादा ब्राइट पैनल के मामले में Vivo T3 5G अच्छा है। वेल, दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स को प्रोड्यूस करती हैं, दोनों में आपको काफ़ी बड़े कलर्स मिल जाते हैं, बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बहुत ज़्यादा कंटेंट को वॉच करते हो, बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हो, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। इन दोनों स्मार्टफोन्स में वाइड वाइन L1 एंड HDR10 प्लस का सपोर्ट दिया जा रहा है जिसकी मदद से आप OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड Amazon Prime पर भी फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाओगे, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले मिल जाती है। बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। Vivo T3 5G में 5000 mAh की बैटरी मिलती है एंड ये 44 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है एंड काफ़ी अर्से के बाद भाई फाइनली Vivo ने T3 5G में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दे दिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। मतलब इसके 30 से 35000 रुपये के स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उनमें भी आपको सिंगल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, बट फाइनली कहीं ना कहीं जाके अब हमें डुअल स्पीकर्स दिए जा रहे हैं जो कि Vivo T3 5G में आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि इस फोन में आपको IP54 की रेटिंग दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T2 Pro 5G में 4600 mAh की बैटरी मिलती है एंड ये 66 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वेल, इस फोन में आपको डुअल स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर्स दिया जा रहा है, बट इसमें आपको IP52 की रेटिंग दी जा रही है, तो दोनों स्मार्टफोन जो है वो पानी की छींटों से बच जाएंगे। दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में ना तो NFC सपोर्ट मिलता है एंड ना ही 3.5 mm के ऑडजेक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो दोनों स्मार्टफोन्स की एक कमी है, बट आई विश Vivo T3 5G में ऑडजेक देने चाहिए थे तो और ज़्यादा बेहतर रहता। ओवरऑल बैटरी के मामले में वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स अच्छे हैं क्योंकि दोनों में आपको एक पावर एफिशिएंट प्रोसेसर दिया जा रहा है, बट और बड़ी बैटरी के मामले में Vivo T3 5G अच्छा स्मार्टफोन है एंड इसमें आपको अच्छे स्पीकर भी मिल जाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर। Vivo T3 5G लेटेस्ट FunTouch OS 14 पर रन करता है एंड इसमें Android 14 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। वहीं Vivo T2 Pro 5G FunTouch OS 13 पर रन करता है एंड इसमें Android 13 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। वेल, गुड न्यूज ये है, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 2 साल के OS अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी दिए जाएंगे, यानी कि Vivo T3 5G में आपको Android 16 तक के अपडेट्स मिलेंगे, वहीं Vivo T2 Pro 5G में Android 15 तक के अपडेट्स दिए जाएंगे। तो भाई और अच्छे फ्यूचर अपडेट्स के मामले में Vivo T3 5G अच्छा है। खैर, ब्लॉटवेयर की बात करें तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स में आपको भर भर के ब्लॉटवेयर मिलता है, लाइक फोन पे, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स जैसे फीचर्स दिए जा रहे हैं
एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इन चीजों को डिसेबल कर देना, तभी आपको बढ़िया यूआई एक्सपीरियंस मिल पाएगा। 5G कनेक्शन की बात करें, Vivo T3 5G में 8 5G बैंड्स ऑफर किए जा रहे हैं, वहीं Vivo T2 Pro 5G में 10 5G बैंड्स ऑफर किए जा रहे हैं, तो 5G कनेक्शन भी आपको अच्छा मिल जाएगा। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो भाई इन दोनों स्मार्टफोन्स में MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर दिया जा रहा है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आता है। दोनों स्मार्टफोन्स में LPDDR4X की रैम टाइम मिलती है एंड UFS 2.2 की स्टोरेज दी जा रही है। तो आप दोनों स्मार्टफोन्स में मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वीडियोस का एडिट कर सकते हो, आपकी जो डेली टास्क होते हैं उनको इजीली कर सकते हो, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यूट्यूब को यूज़ करना हो, इंस्टाग्राम चलाना हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे जो टास्क होते हैं वो इजीली परफॉर्म हो जाते हैं। बट गेमिंग की बात करी जाए तो भाई देखो, दोनों स्मार्टफोन्स में आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर पाओगे, यहाँ पर आप COD एंड BGMI जैसे हैवी गेम्स को भी खेल सकते हो, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग मिल जाएगी जिस प्राइस पर ये स्मार्टफोन्स आते हैं। वेल, दोनों स्मार्टफोन्स का एंड टू डू स्कोर बताऊं तो लगभग 7 लाख प्लस आता है, जो कि एक अच्छा नंबर है। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स आपको अच्छी गेमिंग ऑफर करते हैं, क्योंकि Vivo T3 5G कम प्राइस पर अवेलेबल है, जिसमें आपको सेम परफॉर्मेंस मिल जाती है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको दोनों में से एक अच्छा गेमिंग वाला स्मार्टफोन लेना है तो आपको Vivo T3 5G को परचेस करना चाहिए, क्योंकि ये और ज़्यादा सस्ता स्मार्टफोन है एज कम्पेयर टू Vivo T2 Pro 5G, तो आपको ज़्यादा पैसे क्यों देने सेम परफॉर्मेंस के लिए, तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। अब बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में, Vivo T3 5G में मेन सेंसर 50MP का दिया गया है विद OIS एंड इसमें सोनी का IMX882 का सेंसर यूज किया गया है, सेकेंड 2MP का सेंसर दिया जा रहा है एंड थर्ड फ्लिकर सेंसर दिया जा रहा है, बट इसके फ्रंट में 16MP का सेंसर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T2 Pro 5G में मेन सेंसर 64MP का दिया गया है विद OIS एंड इसमें कोई भी सोनी का सेंसर यूज नहीं किया गया है, सेकेंड 2MP का सेंसर दिया गया है, वाले इसके फ्रंट में भी 16MP का सेंसर दिया जा रहा है। एंड आप इन दोनों स्मार्टफोन्स के रियर कैमरा से 4K एट 30fps तक वीडियो शूट कर पाओगे, वहीं इनके फ्रंट कैमरा से आप 1080p एट 30fps तक वीडियो शूट कर पाओगे, वहां पर आपको 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है। खैर, ये तो रही वीडियोस की बात, फोटोज की बात करें तो भाई दोनों स्मार्टफोन जो है वो डे लाइट में आपको काफ़ी अच्छी इमेजेस दे देते हैं, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया डिटेल्स आ जाती हैं, पोर्ट्रेट वगैरह भी काफ़ी अच्छे आ जाते हैं एंड डायनेमिक रेंज में भी कोई इशू नहीं होता है। लो लाइट हो या फिर नाइट का समय हो, वहाँ पर भी आपको डिसेंट शॉट्स दे देते हैं, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाते हैं। बट ये दोनों स्मार्टफोन जो हैं वो आपको सोशल मीडिया रेडी इमेजेस देते हैं, Vivo T3 5G आपको थोड़ी सी बूस्टेड इमेजेस देता है। मतलब कहने का ये है, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको थोड़ी सी बूस्टेड एंड सैचुरेटेड इमेजेस मिल जाती हैं। खैर, कैमरास के अकॉर्डिंग दोनों स्मार्टफोन्स अच्छे हैं, दोनों में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। फाइनली अब बात करते हैं प्राइस के बारे में, Vivo T3 5G का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका करंट प्राइस 20,000 रुपीज है। बट Vivo T2 Pro 5G का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका करंट प्राइस 23,999 रुपये रखा गया है। सो सवाल ये आता है, आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए? तो भाई देखो, नो डाउट Vivo T2 Pro 5G काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, जिसमें आपको अच्छे कैमरास मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया गेमिंग मिल जाती है एंड डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बट इसकी कंपैरिजन में हमारे पास Vivo T3 5G है, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ है एंड इस प्राइस रेंज में ये आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस स्मार्टफोन है, जिसमें आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है एंड इसमें आपको अच्छे कैमरास मिल जाते हैं एंड काफ़ी अच्छी गेमिंग भी मिल जाती है। सो मेरा सजेशन यही रहेगा, आपको Vivo T3 5G को परचेस करना चाहिए ओवर Vivo T2 Pro 5G, क्योंकि उससे भी कम प्राइस पर Vivo T3 5G आपको और अच्छे स्पेक्स ऑफर कर रहा है। तो हालांकि आप Vivo T2 Pro 5G को भी परचेस कर सकते हो अगर आपको इसको लेने का मन है, ये भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, बट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस यहाँ पर Vivo T3 5G है। तो भाई यही था इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन, आपकी दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके बता देना एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।